हेलो किधर? क्या मतलब किधर? हम आप ही को स्टेज पे लेके जा रहे हैं। तुम लोगों ने अच्छा काम पकड़ा हुआ है, हर चीज पे मल मार लेना। चुप करके ना एक स्पॉट खाली करो, वहाँ मैं आके दुपट्टा पकड़ूंगी। भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला, मेरी आखिरी आपी है, बाकी आप किसी और से छुड़वाना छुड़वा लो, बेशक पीछे चले जाओ। तुम्हें तो लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, घर में सबसे छोटे हो ना, छोटे होने का फायदा उठाते हो। ओ यार इन्होंने सारा टाइम लड़ाइयां से जाया कर देना। पाइंदर दो मिनट दो मैं। तुम सन्ना मेहरबानी करो ये स्पॉट छोड़ दो, मैंने दुपट्टा पकड़ना है। ओहो तुम लोग लड़ते ही रहोगे क्या? मुझे स्टेज पे भी लेके जाओगे? मैं दुल्हन हूँ और मैं थक गई यहाँ पे खड़ी होके, जल्दी से मुझे लेके चलो, रस्में स्टार्ट करें। आते और की दस तू ये थी बजा देने, उन्होंने बाद लाइटा बंद कर देनी है। जा नहीं पाया तो जाके, ये मुंडिया का ही काम है, चल। कराली पिस्ती होगी होश ना, अब जाकर आराम से बैठ जाओ। मेरे घर वाले ना बिल्कुल ठीक कहते थे कि तैयारियों तो तुम बहुत कर रही हो ना, किसी ने तुम्हें वहाँ पे मुंह भी नहीं लगाना। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਧਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ। ਮਮਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾ ਆਈ ਸਮਝ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਉੱਠੋ। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, लगता है सारा हुसन आज इधर ही इकट्ठा हो गया। हुसन को छोड़ो तुम एक साइड पे, पता है जब तुमने रात को मुझे मैसेज किया था कि मैं नहीं आ सकती, तब से मैं इतनी परेशान थी, और जब से शादी स्टार्ट हुई है तब से मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कब आओगी, और तुम्हें पता है बेस्ट फ्रेंड के बगैर तो शादी इनकम्प्लीट है। अच्छा यार अब रिलैक्स करो, मैं आ गई हूँ ना शादी पे, अब तुमने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, हम मिलके एंजॉय करते हैं शादी। अच्छा तुम अब मेरी जरूरी बात सुनो, तुम पकड़ो मेरा फोन क्योंकि मैं ये किसी और को नहीं दे सकती। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने मेरी अच्छी अच्छी सी फोटोज खींचनी है और तुमने मेरे सारे एक्स को फॉरवर्ड कर देनी, ताकि उन सबको पता चले कि निदा काटने में कितनी माहिर है। माहिर तो तुम हो ही, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अब सारे एक्सेस मेरे कब्जे में, उनको नहीं पता कि अगर तुम काटने में माहिर थी तो मैं भी किसी तेज छुरी से कम नहीं हूँ। आहिस्ता बोलो, मेरे जासूस कजन पास ही खड़े हैं, तुम चलो उठो मेरी अच्छी अच्छी फोटोज कैप्चर करो, चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सोनी थी, चलती है हाथ तक के कर रस्मा शुरू करिए। हाजी साहब की पे कर दो, पेंडू वाली रस्मा छोड़ दो, ओदी दोस्त एड्डी प्यारी पत्ती ले के ये एदे उते मेहंदी लाओ, नाले बड़े खर्चे होगे ने, पैसे सांभ के रखो। ओ गल ते सयानी है, आ करो बेटा। चलो भाई सारे आ जाओ, 10 बज जाने ने, लाइटां बंद हो जानियां ने। नशा मैनू मूंह नहीं पिलांदियां बाजी, मैनू ना जरा 100 रुपया ते जारे टुटा, मेरा ना पर्स डिग पिया है। अच्छा ते है की है? ओ जेड़ी छोटी पर्स। बस बस हल चल, तुहानू तो मैं पुछनी है। बाजी मैनू ना तुहाडा नाल काम सी की, मैनू ना जरा टुटा 100 रुपया दिया जे, छोटे ने मेरी बड़ी जान खादी है, मैं तुहानू हुणे दे दिन्नी आ। हाँ नी कुड़िए की खाना पसंद करेंगे? हाय आपी तो चम चम एक खाना तो गुलाब जामुन, चल एक मिनट। हाय अल्लाह मेरी आखिरी आखिरी बहन की रस्म हो रही है, हैं आखिरी रसगुल्ला रह गया, आप ये मैं खा लूं। खा लो मेरे शहजादे। बाजी मैं ना तेरे नाल काम है। हाँ हाँ पता है मैनू जरा तेनू काम है, आ फड़ तेरा हर व्याह ते आई काम हुंदा। इत्थों पता लगदा रिश्तेदारियां दा, किसी ने 100 वरत्या, किसी ने 50 वरत्या, ते तेरी मामी तेरे आस्ते कड़क दा 500 दा नोट लेके आई है वरतन आस्ते। मेरी शहजादी होश रह, 500 ही। शुक्र है मामी, मुझे लगा आप शायद मुझसे भी पैसे मांगने आई हैं। टूटा हुआ साज हूँ मैं, तीन तक झूम पंखा, तीन तक झूम।
जी बाजी बुलाया सी मेरे का तेन भैन सो टाइम ओ बाजी टाइम ही टाइम तेन ते पता धी का विआह है फिर सारे पुछना पैंदा ना हाँ तू सारे पुछ बस एक भैन ना पूछी कि ओनू की मसला है पहले मैंने एक गल का जवाब तो दे मैनू तो कार्ड वट्सअप किया तो अपने पैसे बचाए ने तो धी की मेहंदी डेकोर तू ए कराई है कि जिम्मे ओबामा की कुड़ी का विआह तेरे सत्त होर बच्चे ने उन्होंने की करेंगे है बाजी वैसे गल तो थोड़ी ठीक है अगे थोड़ी भरजाई ना मैं ही सलाह कर रहा हाँ काश असी फैमिली प्लैनिंग की होंगी वे फैमिली प्लैनिंग बस कर दे मैनू तो वो प्लैनिंग समझ नहीं आती वो चाहती की है मैंने एक गल तो दस इंज कौन तैयार होंगे धीया का वह बंदा कोई सोबर कपड़े पाँगा वो तो इंज तैयार हो दुल्हन वो वे निधा मैं घट तो दुल्हन बहुती तेरी बीवी लगन दी है बाजी जी सारे वेंदे पे ने की करते पे हो यह गल घर जाके कर लाँगे आओ मेहमान रुखसत करिए आओ चलो ठीक है जाओ फिर मेहमान रुखसत करो मैं थक गई हूँ बड़ा अब मेरी गल सुनो पुत्रो तुहाडी आखरी भैन का विआह है गल तो सुनो ऐसा नचना तीरा नहीं राधी हो जावे चलो एक तोल लिया लो भाई लड़को हो गया तुम लोगों का अब चुप करके जाके बैठ जाओ आओ पुफी जी डांस की होंगे हूँ असी तुम करके विखावांगे चल भाई शुरू हो जाओ मेरी बात सुनो सारी मेहंदी मैंने चुप करके गुजार दी अब भाई मेरी फेवरेट रस्म अब जो जो कवारे लड़कियां सब मेरे पास आ जाओ और बारी बारी मार खाने के लिए तैयार हो जाओ पुत्र अपने प्यो नु मार ओ मैं ना दूसरी शादी कर रही है मैं करा दी है तुम्हारी दूजी शादी इधर आओ ना जरा मुझे लगता है तुम लोगों ने तो मेरे पास आना है नहीं मैं तुम लोगों के पास आ जाती हूँ चलो तुम सबसे पहले मिठाई खाओ तुम सबसे बड़े हो नहीं नहीं मैंने नहीं खानी मैंने शादी नहीं करवानी अभी रिसेंटली तो मेरा कटा है ओ बाजस को दफा कर मुझे ये सारी गुलाब जामुन खा दे वैसे मैंने तीन तीन चार चार शादियां करनी है चल मार 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 चलो जाओ तुम अब चलो तुम्हारी बारी ओ मेरी बारी मुझे पता है मैंने उस दिन तुम्हें नूडल नहीं था ना लाके दिए उसी का बदला ले रही हो तुम बहुत कमीनी हो छोड़ दो अब ओहो मुन्ना रुस गया चलो तुम तो आओ तुम तो मिठाई खाओ वैसे भी तुम्हारे सारे बाल उतरते जा रहे हैं पता नहीं कब शादी करवानी तुमने क्या तो तुम सही रही हो अब मेरी बारी